हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड क्रीम केक। तो चलिए मेरे साथ, लेट्स मेक इट। तो हमें अपनी कढ़ाई पहले से ही प्रीहीट कर लेनी है और उसके बाद हमें अपना केक बैटर इसमें रखना है। तो कस्टर्ड केक बनाने के लिए पहले मैं डालूंगी 1/2 कप ऑयल। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल दूंगी 1 कप पाउडर शुगर और इसे हमें अच्छे से मिला लेना है। तेल एकदम चीनी में मिल जाना चाहिए। तो अब ये देखिए पूरा मिक्स कर दिया है और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1.5 कप मैदा। तो यहाँ पे मैंने 1 कप डाल दिया है और इसके साथ 1/2 कप और डाल दूंगी, ये 1/2 कप और 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप कस्टर्ड पाउडर और इसमें अब मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, सॉरी 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसके साथ अभी मैं 1 कप दूध ले लूंगी और हमें इसको ग्रेजुअली मिक्स करना है, एक साथ नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको हमें मिक्स करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। मुझे लगा था इसमें 1 कप और 2 टेबलस्पून दूध लगे थे। तो ये है हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। अब मैं इसको एक दूसरे बॉल में ट्रांसफ़र कर दूंगी जिसमें मैंने तेल लगा रखा था। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने तेल लगा रखा है और जो मैंने बैटर बनाया था केक का वो अब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। मेरे पास बटर पेपर नहीं है इसलिए मैं बटर पेपर के बिना ही बना रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर ज़रूर लगाइएगा। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे हिला देंगे और अब हम इसको जो कढ़ाई हमने गरम करके रखी है उसमें रख देंगे। तो ये हमारा जो कढ़ाई है वो गरम हो गई है। तो मैं ये बैटर इसमें रख दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी और हमें इसे 15 से 20 मिनट तक ढक के रखना है। तो दोस्तों, हमें इसे मीडियम फ्लेम में ही पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम और वो भी 15 से 20 मिनट तक। ये देखिए दोस्तों, हमारा केक एकदम रेडी है। ये चाकू डाल के भी देख लेते हैं, ये देखिए एकदम क्लीन है चाकू। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, केक ठंडा हो गया और मैंने इसको एक दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया है। और जो हमने कस्टर्ड का क्रीम बनाया था वो हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर का क्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप दूध, जिसको मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है दूध। इसके साथ थोड़ा दूध और लूँगी और उसमें मैं कस्टर्ड पाउडर 2 से 3 चम्मच मिला लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने 1/4 कप और दूध लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर का मिला लूँगी। और जो दूध हमने गर्म करने के लिए रखा है
ये घोल हम उसमें मिक्स कर देंगे, तो जिससे कस्टर्ड पाउडर का क्रीम बन जाए। तो इस दूध में मैं 1 चम्मच चीनी मिला रही हूँ। मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये घोल मैं इस दूध में मिला लूँगी और हमें इसे अच्छे से मिलाना है। दोस्तों हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि इसका एक थिक पेस्ट नहीं बन जाता। आप देख सकते हैं इसका एक थिक पेस्ट बनना है, तभी हमको इसका ऑफ करना है। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम थिक हो गया है। अब हम अपना स्टाव ऑफ कर लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए हमारा कस्टर्ड क्रीम केक एकदम रेडी है खाने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।